गंज में क्षत्रिय धर्मशाला में एक पुस्तक का विमोचन हुआ। फिरोजाबाद के सिरसागंज में पीस कमेटी की बैठक सोमवार को थाना परिसर में आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे नगर के गणमान्य लोगों से आगामी त्योहार ईद की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ईद मनाने को कहा। वहीं नवागत थाना प्रभारी सुशांत गौर ने बैठक के दौरान बताया कि ईद के दौरान कोई भी भीड़ के रूप में नहीं निकले। इसके अलावा मार्गों पर किसी प्रकार की समस्या पैदा न हो इसके लिए नगर से पुलिस बल लगाया जाएगा। लोगों को किसी समस्या नहीं आने दी जाएगी तथा लोगों को अभी कोरोना के लेकर सतर्क रहना चाहिए। तहसीलदार हर्षवर्धन सिंह, चेयरमैन सोनी सेवारी ने लोगों से अपील की कि आगामी त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। इस दौरान नगर के मुस्लिम समुदाय के अलावा सोनू जैन, भोलू वर्मा, जायद अली व नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सूर्य प्रताप सिंह, सिरसागंज, फिरोजाबाद, समाचार 24। इसमें विभिन्न धर्म के लोग और बहुत सारे संभ्रांत नागरिक यहाँ सिरसागंज खास के और आसपास के लोग आए हुए थे। उनसे बातचीत की गई, इंस्पेक्टर साहब भी उपस्थित थे, चेयरमैन साहब थे, पत्रकार बंधु थे। उनके द्वारा उनकी समस्या पूछी गई और उनको जो सरकार की तरफ से जो नियम बताए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और किसी के धर्म आहत ना हो, किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो, इन सब बातों को उनसे बातचीत हुई है। सभी लोग सहमत थे और अपना सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और विभिन्न सामाजिक स्थितियों को देखते हुए और किसी की धार्मिक भावना आहत न हो, ऐसा उन्होंने कमिट किया कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण तरीके से अपने त्यौहार को मनाएंगे, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। साहब भी आए थे, उनसे भी कुछ साफ सफाई के मसले पे और भी विभिन्न जानवर वगैरह कोई ना घूमे इस विषय पे भी बातचीत हुई, जिसके विषय में पहले से भी यहाँ पे होता रहा है, कोई इस तरह का व्यवधान नहीं आया। और चेयरमैन साहब ने भी आश्वस्त किया है कि पानी को लेकर, लाइट को लेकर या अनावश्यक जो जानवर वगैरह घूमते हैं उनसे भी किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न नहीं होगी। आज पीस कमेटी की बैठक आदरणीय तहसीलदार साहब और हमारे नव आगंतुक SHO साहब के सानिध्य में यहाँ बैठक ली गई। जो हमारे आगामी त्यौहार हैं उन त्यौहारों के विषय पर और सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। SHO साहब ने विशेष तौर पर जो अभी बकरीद है और 21 तारीख को ही बकरीद है और 21 तारीख को ही जैन समुदाय के जो चतुर्मास चालू हो रहा है तो दो मुनि महाराज जी भी यहाँ आगमन हो रहा है, तो उस विषय पर भी चर्चा की थी कि कोई ऐसी स्थिति यहाँ पे न आने पाए सामने या ऐसा कोई टकराव वाला विषय न बने। उन सारे विषयों पर गहनता से चर्चा हुई। सामाजिक लोगों ने हर तरीके से साथ देने का यहाँ आश्वासन दिया है, वादा किया है और वैसे भी अपना नगर हमेशा से सौहार्दपूर्वक वातावरण में हर त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने का काम करता चला आ रहा है। इन्हीं विषय पर बात करते रहे हैं और जो भी साफ सफाई के निर्देश वगैरह हैं, डायरेक्शन हैं, बाकी तहसीलदार साहब ने भी उस विषय को बड़ी गहनता से लिया है। SHO साहब ने भी क्योंकि अभी नवागतुक हैं तो उन्होंने ये पूरी पृष्ठभूमि की विशेष तौर से जानकारी नहीं थी, तो उस जानकारी को लेते हुए हर संभव मदद करने का और जो बकरीद पर जो कुर्बानी दी जाती है उसका जो अवशेष वगैरह रहता है उस विषय पर भी बहुत सौम्य स्वभाव के साथ उन लोगों से आग्रह किया है कि इनको जो भी कुर्बानी देनी है वो पर्दे के भीतर रहे और जो उसका मलबा वगैरह है उसका निस्तारण भी उसमें पालिका सहयोग करते हुए इस कार्य को करने का काम करेगी। फिरोजाबाद के सिरसागंज में थाने में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान